हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखें, ताकि आपको फुल नॉलेज मिले। अगर आप भी स्पर्म काउंट कम होने की समस्या से परेशान है, तो आपको बेरीज खानी चाहिए। ये बेरीज कई प्रकार की होती है, जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी और ब्लैकबेरी। इन बेरीज का नियमित सेवन करने से स्पर्म काउंट तेजी से बढ़ते हैं, जिससे आपके पिता बनने की संभावना भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके घरों में हरी सब्जियां खाया जाना सामान्य बात है। आप स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए शतावरी सब्जी को जरूर शामिल करें। इसमें पौष्टिक तत्वों का भंडार छिपा हुआ है। सप्ताह में 3-4 बार शतावरी की सब्जी का उपयोग करने पर स्पर्म काउंट काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों बता दें कि हमारी भोजन की थाली में अक्सर दाल जरूर होती है। इन्हें खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। जिन लोगों को स्पर्म काउंट की समस्या है, उन्हें मसूर दाल खानी चाहिए। इस दाल में फोलिक एसिड पाया जाता है, जो पुरुषों की प्रजनन क्षमता के लिए काफ़ी एक्टिव रूप से काम करता है। कई लोग स्पर्म मोटिलिटी के लिए दाल का पानी पीना पसंद करते हैं। चॉकलेट खाना आजकल फैशन हो गया है। कम स्पर्म काउंट वाले पुरुषों को डार्क चॉकलेट के पाउडर को दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। डार्क चॉकलेट में हार्मोन्स बढ़ाने का गुण पाया जाता है, जो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुक्राणुओं की कम संख्या से जूझ रहे लोगों को जिंक के स्रोत वाले फूड का सेवन करना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों में प्रमुख रूप से बीन्स, ओट्स, तिल, मूंगफली, लहसुन जैसे फूड शामिल है। इन्हें आप अपने भोजन में अलग अलग प्रकार से शामिल करके स्पर्म काउंट बढ़ाने का फायदा पा सकते हैं। तो आप लोग का भी दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि मेरा स्पर्म काउंट कम है, मैं पाप नहीं बन सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छा खाना खाइए और डॉक्टर का सलाह लीजिए, डॉक्टर का इलाज कराइए, 100% आपका काउंट स्पर्म बढ़ जाएगा। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।